भैया बन खर रही जब राजा से कहिए सुनार सोए जो रानी आज बन खर में तब राजा ने कहिए सुनार प्यार बनी में राजा और रानी के सवाल जवाब है। मैया कह रही है तुम सो जाओ और राजा कह रहे हैं तुम सो जाओ, क्या कही है? और तुम्हारे मार जवाब में
कथा पे ध्यान दें। रानी ने अपने राजा से कही है, स्वामी हमें तीन वचन मांगे जयदेव को जबन में हम सोई दे। कौन से तीन वचन है? अपने पीले जो पट्टा के छोट मेरे हाथ में कहाई दे। कठिन वचन मांग रही है, अगर हमने इसके वचनों को पूरा किया तो हम निकल नहीं पाएंगे, और अगर वचन नहीं दे रहे हैं तब भी नहीं निकल पाएंगे, क्या करें? राजा ने मन में विचार किया है कि पहले इस रानी के तीनों वचन दे दूं, उसके बाद में विचार करेंगे। क्या किया है राजा ने? दुख की मारी मात
जिसका पैर पलंग से नीचे नहीं जाता था, वही रानी 12 कोस रोटी चिल्लाती हुई पैदल गई। क्या दशा बनी होगी? नींद हमेशा या तो सुख में आए या फिर दुख में आए। सोई गई, होश नहीं रहा। और क्या किया है? अरे राजा ने चकुआ लिया निकाल, चकू लियो निकाल, छोक दुपटा के काट गए। और राजा चकुआ लिया निकाल, छोर दुपटा के काट गए। और उंगली लई निकाल, मकजा घूमी तीनों वचन दे दे रानी को और तीनों वचन बाद में काट गए। रानी को हुई छोड़ दो और चले गए। कैसे कैसे को गए? अरे राजा मेरा मजा लोई मजा लो, राजा मेरा मजा लोई मजा लो, और राजवासी सजनों, उसी उजियार बनी में राजा देवराय रानी को सोते छोड़ के चले गए। द्रौपदी जी महाराज के टीले पर 24 वर्ष की अखंड सेवा पर खड़े हो गए। 24 वर्ष की सेवा पर राजा खड़े हो गए। और इधर जब राजा चले गए, समय बीत रहा है, आधी रात्रि के दरमियान में आज सुमैया की आंख खुली तो राजा नहीं मिले। जब राजा नहीं मिले तो मैया हाय हाय करके रो रही है, विलाप कर रही है, चिल्ला रही है। कैसे? इस अंधेरी रात में, इस अकेले वन में मुझे छोड़ करके जाने कहां चली गई? अपने पति के लिए आज जो मैया रो रही है, विलाप कर रही है, क्या कह रही है? क्या कह रही है? लीड बदलो इसकी। Thank you.
से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जिस मणि में मैया रो रही है बाई में कजरी बन के बाबा को रघुनाथ 1400 चेला लेकर के कौन यार नहीं आ रहा है, कोई कौन नहीं दिखाई दे रहा है, और आप कह रहे हो कि महाराज इसमें मैया रो रही है। अरे महाराज और कहा महाराज ये बियाबान जंगल है, कह रही इस बनी में तमाम भूत चुड़ैल जान भट्टे तमाम जंगली जानवर महाराज किरकार रहे हैं, और अगर नाथ की बात को मानकर गोरखनाथ बाबा ने चंदन की चौकी डाल करके गुरु भजन करने लगे, तब तक दोबारा रोने की आवाज गुरु की जब कानों में पड़ी है, हर या देवराज हर या देवराज। आज गोरखनाथ बाबा के हाथ से माला छूट गई, ओगलनाथ चेला से कहा बेटा ओगलनाथ ऐसा करो बेटा ये कोई तुम्हारी माँ की आवाज है बेटा, इसके पता लगाओ जाके। ओगलनाथ ने विचार किया गुरु का आदेश आकर नहीं मानते तो नरक की वासी हो रहे हैं, ओगलनाथ ने विचार किया कुछ अपने भरोसे में चलो, अगर कहीं बनी में डान मिल गई कहीं उसने मुझे खा लिया तो गुरु जी इतने भगवान नहीं जो हमें उसके पेट में निकाल के जिंदा कर लेंगे। अगरनाथ के पास 9 गुरु का जादू था और किसी महात्मा गुरु बना ले तिरा के भैया सोई बोरी में तदा में चल दे तिराते चोर रहते नहीं तो ये गुरु का ये